जय माता दी। स्वागत है हमारे चैनल श्री बालाजी ऑटो पे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं ये अल्टो में हॉर्न फिटिंग का, जो कि क्रिएटा में और स्कोडा में ये हॉर्न आता है और इसको हम लगाएंगे मारुति अल्टो 800 में। आप किसी भी कार में लगा सकते हैं, जैसे जैसे मैं वायरिंग कर रहा हूँ या जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों पहले तो सिंपल स्टेप है, अगर आपकी गाड़ी के अंदर जगह है बोनट के अंदर तो आप बोनट के अंदर लगा दीजिए, या बाहर जगह है जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बम्पर, इसका फ्रंट बम्पर जो है वो खोल दिया हूँ, खोलकर इसको हॉर्न को सेट कर रहा हूँ ताकि कहीं भी लगे ना हॉर्न को। हॉर्न को इस तरह से फिटिंग करना है कि बॉडी में लग रहा है जब फिटिंग करने पे तो कहीं इधर उधर टच ना हो। जैसे कि ये हॉर्न इस समय देख रहे हैं, इसको मैं फिट कर रहा हूँ तो मैं ये भी चेक करूँगा, इसको ध्यान रखूँगा कि बम्पर में ये टच ना हो। बम्पर में जब टच होगा तो प्रॉब्लम करेगा, मतलब हॉर्न क्लीन नहीं बजेगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग दो हॉर्न लगाएंगे, जो क्रिएटा में आता है और स्कोडा में इस समय ज़्यादातर क्रिएटा में इस समय ये हॉर्न दिया रहता है। इसको हम लोग सेटिंग करेंगे और इसका वायरिंग दोस्तों जो कंपनी का वायरिंग रहता है, बहुत लोग सिर्फ उसी वायरिंग पे काम करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इसका जो रिले सिस्टम रहता है उसको लगाएंगे कि उसको पूरा पावर, जैसे क्रिएटा में पावर से बचता है जैसे हॉर्न एकदम पंप पंप करके, वैसे एकदम पावरफुल इसको बनाएंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हम दोनों हॉर्न को अच्छे से सेट कर लेंगे इसका जगह पे, इसको फिटिंग करने के बाद इसका वायरिंग का पूरा डिटेल बारीकी से आपको दिखाया जाएगा। मतलब आप अगर आप हॉर्न लगाना चाह रहे हैं अपने कार में तो सिर्फ ये वीडियो देखकर आप लगा सकते हैं, आपको बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे जैसे बताऊँगा वैसे वैसे ही सिर्फ आपको करते जाना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं दो हॉर्न अपने ऐसे ही लगा लेना है, कैसे जैसे दिख सकते हैं, और हॉर्न को किस पोजीशन पर रखना है देखिए, इसका जो मुंह है वो नीचे के साइड में ताकि पानी ना लगे, क्योंकि ये सब हॉर्न में पानी लगने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और जब गाड़ी सर्विसिंग हो तो सर्विस सेंटर पर जब भी जाएँ तो एक बार कह दें उनको कि पानी इस तरह से मारे भाई कि पानी अंदर ना जाए। जैसे कि ये देख सकते हैं दोस्तों कि मैं हॉर्न को हल्का सा बैंड करके अंदर की साइड कर दिया, और ये देखिए जैसे मैं हिला रहा हूँ दोस्तों, इसको इस तरह से फिटिंग करना कि ये हल्का हल्का वाइब्रेशन करे, पूरा बॉडी में चपक के ना रहे हॉर्न। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही दिए देखिए दो हॉर्न, ये चार हॉर्न क्लिप लेकर दोनों हॉर्न के लिए लगा लेंगे, और ये पाँच नंबर की क्लिप है जो कि बॉडी अर्थ लगाना है, और ये एक वायर ये लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ पे लगाना है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे पूरा पाइप में फिटिंग कर लेंगे ताकि कहीं भी वायरिंग शॉर्टिंग ना करे, जैसे कि बॉडी में बहुत बार लग जाता है हॉर्न अच्छे से वायरिंग नहीं करने की वजह से, तो बार बार फ्यूज उड़ जाता है या प्रॉब्लम वायरिंग शॉर्ट कर जाता है, जल जाता है वायरिंग। इसके लिए इसका खास ध्यान रखकर ये देख लीजिए कंपनी इसी तरह से पाइपिंग फिटिंग करके देती है, तो हम लोग अगर अलग से लगा रहे हैं तो इसका ध्यान रखें कि हम लोग भी पूरी सेफ्टी का गाड़ी का ध्यान रखें, वारंटी कुछ ख़राब ना हो। ये देखिए ये पाँच नंबर जो क्लिप है दोस्तों, इसको जहाँ पे भी हॉर्न आप फिट कर रहे हैं तो दोस्तों वहीं पे इसको क्लिप को बोल्ट के साथ जोड़ दें, एक हॉर्न के साथ बोल्ट में, या कहीं भी मतलब 10 नंबर का अर्थिंग का बोल्ट बहुत गाड़ी में ज़्यादातर रहता है, आप बम्पर फिट करते हैं उसमें भी लगा सकते हैं, मैं जहाँ आपको नज़दीक पड़े। और ये देखिए पाँच नंबर की क्लिप ये लगा के बोल्ट में इसको बढ़िया से टाइट कर लें, ढीला ना रखें, एकदम मजबूती से टाइट करें दोनों को ताकि ये हॉर्न कभी ढीला ना पड़े। जितना टाइट रहेगा अच्छे से दोस्तों ये उतना ही बेहतरीन हॉर्न बजता है। ये हॉर्न की यही खासियत है कि ये अगर अच्छे से फिटिंग कर दिया जाए बॉडी में हल्का सा वाइब्रेशन देकर, तो दोस्तों ये हॉर्न मतलब कोई भी हॉर्न के मुकाबले 10 गुना तेज ये आवाज़ करता है और बजता है बहुत बेहतरीन। तो इस वजह से इसी हॉर्न को ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं लगाने का। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने दोनों हॉर्न का पे वायर लगा लिया है, अब ये तीन वायर हो गया है। तो दोस्तों इसका जो ये रिले देख सकते हैं, हम एक ये रिले लगाएंगे ताकि इसका हॉर्न प्रॉपर वर्क करे और हॉर्न तेज़ी से बजे। तो दोस्तों इसका जो तार रहता है टी हॉर्न का कंपनी वायर देता है, यही वायर को हम लोग इसके दोनों रिले में जो छोटे वाले पिन हैं इसमें हम लोग लगा देंगे, और जो तार दो पिन बचता है उसमें एक हॉर्न और एक प्लस वायर देंगे जो कि हम वायरिंग में आपको दिखाते हैं। इसको चाहे ऊपर लगा ले चाहे नीचे लगा ले हॉर्न के एक वायर को, एक वायर आपने बॉडी अर्थ कर दिया है, एक वायर इसको रिले में लगा देंगे, और दो हॉर्न का जो पिन वाला कंपनी का टी हॉर्न का आता है उसको दोनों हॉर्न के ये देखिए जैसे कि मैं लगाया हूँ इस तरह से लगा देंगे। दोस्तों इसके बाद हम लोगों को एक वायर की और ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ये चौथा पिन जो दिख रहा है इसको इसको दोस्तों इसमें लगा कर रिले में हम लोग क्या करेंगे, इसको ये वायर को प्लस बैटरी जो डायरेक्ट जहाँ बैटरी लगी रहती है दोस्तों वहाँ पर इसको जोड़ेंगे, जैसे कि आपको मैं दिखा दूंगा अभी। ये देखिए यहाँ पे इसको जोड़कर ये डायरेक्ट यहाँ से लेके ये देख सकते हैं ये हमने
प्लस बैटरी का जहाँ पे है ये देखिए, यहाँ पे मेन सप्लाई इसको यहाँ से देंगे ताकि ये प्रॉपर हॉर्न वर्क करे और इसका जो साउंड होता है वो क्लियरली विजिबल और आवाज़ एकदम हमेशा मतलब पावरफुल रहे। बहुत बार ऐसा रिले नहीं लगाने की वजह से कुछ ही समय में, एक महीने या दो महीने में हॉर्न स्लो हो जाता है। अगर आपके कार में भी ये प्रॉब्लम है तो आप जाके ऐसे ही रिले लगवा लीजिए, 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉर्न का आवाज़ डबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, अब हम क्या करेंगे इसको सेफ्टी के लिए, दोस्तों हम लोग इसका वायरिंग जो भी हमने बैटरी के लिए प्लस वायर लिया था हॉर्न के लिए, उसको हम लोग सेफ्टी से लगा देंगे इसको क्लिप में बांध कर, कि ये वायर कहीं भी रगड़न ना खाए, ताकि वायर रगड़न खाता है तो कट जाता है, जल जाता है, टूट जाता है। इस वजह से इसको सेफ्टी के लिए हम लोग टाई क्लिप इससे इसको बांध देंगे। पूरा हॉर्न का रिले हम लोग कंप्लीट फिटिंग कर देंगे, पूरा आपको विजिबल कराया जाएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आप लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं पर बहुत पूरा नहीं देखते हैं वीडियो, प्लीज़ हम लोगों की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और आप शेयर भी करें, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियो आपको देंगे जो और कहीं चैनल पर नहीं मिल पाएगा काम के लिए, और छोटी छोटी जानकारियाँ आपको ऐसी ऐसी दिया जाएगी जो आप खुद कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कैसे सिंपल वे में ये हॉर्न मैंने कंप्लीट फिटिंग कर लिया है। ये देखिए प्लस वायर हम लोग ले लिए हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे टेपिंग कर दिए ताकि ये वायर कहीं भी ब्रेक ना हो, कहीं भी लगे ना, ये देखिए। और ये देखिए ये रिले जो है हमने अच्छे से टेपिंग करके यहाँ पे लगा दिया। दोस्तों तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक ले जय माता दी, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हॉर्न का आवाज़ कैसा लगा जरूर हमें